अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब। हमारा दोस्तों मुर्गा, जो छोटा मुर्गा था, वो आज से अजान देने लग गया है। देखो कहाँ खड़ा है वो, और वो ऊपर ठहरा हुआ है। वो देखें उस टैंकी के ऊपर, आपको नजर आ रहा होगा यकीनन। नहीं आ रहा होगा नजर, ये देखें दोस्तों, वो है ये क्या बात है। बिल्कुल ऊपर गया और वहां से अजान दी इसने, और ये बड़ा हो रहा है। बड़ा हो ही गया है दोस्तों। जब मुर्गा अजान देते हैं ना, वो फिर ऐसे समझे एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने क्या करना है कि हमने आज करना है एक एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम एक लेकर आएंगे ब्रॉयलर मुर्गी, और जो बाहर आप देखते होंगे मोटी सी होती है और जो बेचारी चल भी नहीं पाती। तो मेरे जहन में दोस्तों एक चीज़ आई है कि अगर हम उसको घर पर लेकर आएँ और उसको हम खुद पालें, क्या वो ठीक हो सकती है? क्या उसका जो वज़न है, हैवी वज़न है, क्या वो कम हो सकता है? तो फिट हो सकती है या नहीं हो सकती? तो यार ये हम करके देखते हैं। एक हम मुर्गी लेकर आते हैं और उसको अपने सेटअप पर रखते हैं, और मुर्गियों के साथ वो घूमेगी और देखते हैं कि क्या बनता है। तो क्या पता वो अंडे बच्चे भी दे बाद में, हो सकता है। हो सकता है। ये दोस्तों हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है, हमारे लिए चैलेंज है, हम सबके लिए चैलेंज है दोस्तों। आपने भी इसमें हिस्सा लेना है, और आपने दुआएं करनी है कि वो मुर्गी हमारे सेटअप पर जब आए तो वो सेट हो जाए, फिट हो जाए, और हमारे मुर्गों के साथ इजीली रहने लग जाए, और बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। और हम उसके लिए एक जगह भी बनाएंगे। चले दोस्तों लेकर आते हैं हम अपने सेटअप पर एक ब्रॉयलर मुर्गी, और उसको हम इस सेटअप पर रखने वाले हैं आज। हमें कोई हेल्दी सी चिकन दे दें ताकि फिर हम उसको अपने घर में लेके। फाइनली दोस्तों हमारे सेटअप पर पहली दफा ब्रॉयलर मुर्गी आ गई है, और इस बेचारी को दोस्तों हमने करना है ठीक। ये आप देखें दोस्तों, थोड़ी सी चलती है और बैठ जाती है, थोड़ी सी चलती है और बैठ जाती है। तो हमने दोस्तों क्या करना है कि हमने इसको अपने सेटअप पर रखना है, और इसका जो हैवी वेट है, एक्स्ट्रा वेट है, इसके वेट को करना है हमने कम, ताकि ये तंदुरुस्त हो जाए, चुस्त हो जाए और भागने लग जाए। और मेरे ख्याल से दोस्तों ये मुर्गी नहीं, मुर्गा है, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों क्या होता है, जो भी बाहर ब्रॉयलर मुर्गियां होती हैं वो मुर्गे होते हैं, मुर्गी नहीं होती। और इसकी जो दोस्तों उम्र है सिर्फ और सिर्फ 35 दिन है। 35 दिन का दोस्तों चूजा आपने देखा होगा, छोटा सा होता है, तकरीबन एक पाव से भी कम दोस्तों उसका वजन होता है। और इसका दोस्तों पता है वजन कितना है? 2 किलो से भी ज्यादा है, 2 किलो से वजन इसका यार ज्यादा है। और बेचारा आप देखें, एक 40 दिन का, 35 दिन का चूजा 2 किलो का वजन पता नहीं कैसे उठाता होगा अपने आप को। फिर आप खुद अंदाजा लगा लें दोस्तों कि ये नहीं चल सकता इसी वजन की वजह से, इसी हैवी वजन की वजह से। और मुझे जो लगता है दोस्तों कि हम इसको 5 से 10 दिन रखेंगे अपने सेटअप पर, इसका वजन जो होगा, एक्स्ट्रा वजन जो नेचुरल इसका वजन नहीं होगा, वो सारा का सारा गिर जाएगा, और इसका जो अपना वजन होगा दोस्तों वो फिर अपने असली हालत में आ जाएगा। तो अभी दोस्तों इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम उठाते हैं और इसके लिए घर बनाते हैं, इसको खुराक डालते हैं, और देखते हैं दोस्तों कि क्या ये बाजरा खाती है या नहीं खाती। क्योंकि खाता, हाँ खाता, क्या ये बाजरा खाता है या नहीं खाता, क्योंकि यार उधर ये पता नहीं क्या क्या खाते थे, अजीब सी इनकी अपनी एक फीड होती है, पता नहीं उसका नाम क्या होता है। तो ये मैं दोस्तों उठाता हूँ, और इसको पहले यार इसके लिए मैं सोच रहा हूँ, ये जो नहीं है ये अपना कबूतरों का, हाँ डरबा, हाँ वो वाला, हाँ उधर शिफ्ट करते हैं इसको, उसमें कबूतर नहीं है, कबूतर को पेयर तो बन गया है। अच्छा, तो निकाल दे, शिफ्ट कर देते हैं बस। ओके चलो ऐसे करते हैं। तो अब दोस्तों मैं अपनी मुर्गियों को लेकर आता हूँ जो हमारी बाहर घूम रही हैं, और देखते हैं दोस्तों कि हमारी इस ब्रॉयलर मुर्गी को देख के वो किस तरह से देख करते हैं। और मुझे तो लगता है दोस्तों हमारा मुर्गा इसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि जो भी नई मुर्गी आती है मुर्गा उसके पीछे लग जाता है, और बेचारी ये भाग भी नहीं सकेगी। ये देखे ना, नई मुर्गियों को देख के हमारी ग्विना फॉल तो चौंक रही है, और बाकी हमारे चूजे भी दोस्तों चौंक रहे हैं नई मुर्गी को देख के। पर हमारा मुर्गा दोस्तों ये देखें, ये ठहरा हुआ है और इसने देखा है, लेकिन ये ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा उसको देख के। मुर्गा भी देख रहा है कि यार ये कैसी मुर्गी हमारी सेटअप पर आ गई, और ग्विना फॉल तो बहुत ही चौंक चौंक से देख रही है, और हमारी काली मुर्गी भी दोस्तों बहुत ही चौंक चौंक से देख रही है। तो अब मुर्गे की दोस्तों बारी, और मुर्गा गौर से देखने लग गया है, और बेचारी वो मुझे लगता है कि डर रही है यार, अब इनको यार इससे दूर करना चाहिए। ये ना देखो, देख कैसे रहे सारे। मेरे ख्याल में तरस आ गया कि बेचारी
कि हालत ठीक नहीं लग रही, क्योंकि यार उसकी कंडीशन जो है ना, आपको पता है, पता नहीं ये कैसे सांसें ले रही हैं यार हमारे। आप जो ये दोस्तों छोटी मुर्गियां देख रहे हैं, ये पता है आपको 4 महीनों की हैं दोस्तों, 4 महीनों की मुर्गी। आप देखें इसका साइज देखें, और जस्ट ये 35 दिन की मुर्गी दोस्तों, और इसका साइज देखें, आपको अंदाजा हो गया होगा यार ये कितना तकलीफ में होगी। चलो उठाओ इसको और इसको दरबे में बांधो, बल्कि इसकी पहले जगह बनाते हैं दोस्तों, और फिर हम इसको वहां पर शिफ्ट करते हैं। चलो चले यार, ये पानी वानी चेंज कर ले, ये पानी कबूतरों के दाना वगैरह डालते हैं और फिर मुर्गी को रखते हैं। ये दरमियान में आ गया और अब हम मुर्गी को लेकर आते हैं। आज से दोस्तों ये हमारा डायमंड हो गया, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल वाइट है, मिल्क की तरह है। तो मेरे ध्यान में आया कि चलो जी इसका नाम ये बहुत ही अच्छा है, तो चले हमारा डायमंड दोस्तों नए घर में जा रहा है, और यहाँ पर आई होप दोस्तों ये खुश रहेगा और इसकी हालत ठीक हो जाएगी, और ये अपने पैरों पर अच्छे तरीके से खड़ा हो पाएगा और भागेगा दौड़ेगा। तो अभी दोस्तों हम इसको दाना डालते हैं और देखते हैं ये खाता है या नहीं खाता, और पानी तो दोस्तों मैंने रख लिया है, तो चले इसको दाना डालते हैं। तो ये दोस्तों हम इसको अब खाना डाल रहे हैं, अल्लाह करेगा दोस्तों ये खाएगा, इसको पसंद आएगा ये वाला खाना। मेरे ख्याल में इसने खाया कभी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो फार्म्स पे फीड होती है वो कोई और फीड होती है, ये हमारी नेचुरल ऑर्गेनिक फीड है, तो इसने अभी देखा नहीं है दोस्तों। ये ज़रा देख ले, ये देखें दोस्तों ये गंद खा रहा है, ये सारा ये जो कबूतरों का कचरा है ना ये वहीं खा रहा है, क्योंकि इसको कुछ खाने को मिलता नहीं था, तो इसकी आदत मेरे ख्याल में वहीं बनी हुई है उस कचरा खाने की। तो इसने दोस्तों अभी तक दाना नहीं देखा, जब देखेगा तो ये खाएगा इंशाल्लाह। इसको इसके साथ रख दो खुद, इसको हाँ ऐसे करते हैं फिर यार, इसने देखा नहीं है, बेचारे की गर्दन नहीं मुड़ पा रही यार, इतना थका हुआ है, इसके मसल्स इतना थके हुए हैं, तो ये फिर बैठ जाता है बार बार। सीधा यहाँ पर खड़ा कर दिया ताकि ये बाजरा देखे, और देखते हैं यार ये खाता है या नहीं खाता। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, इसके पाँव देखें दोस्तों कितना हैवी है, ऐसे लगता है डायनासोर के पाँव है, बहुत हैवी है यार। और ये हाँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन यार अल्लाह करेगा ये खा पाएगा, और खा रहे ये खाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। पता नहीं वो जहाँ पे शॉप पे होते हैं ना, वो तो बस ज़िबा करने के लिए रखे होते हैं, उसको खाना डालते नहीं हुआ, अब खा रहा है ये माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारे डायमंड ने खुराक खाना शुरू कर दी है, और ये ऐसे ही खाता रहेगा, साथ में पानी भी रखा हुआ है, और इसका घर भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, और बस दुआ है ये कि जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर पे खड़ा हो जाए। तो चलें दोस्तों हम जाते हैं अब इससे दूर, और दुआ करते हैं कि इसी तरह से हमारे सेटअप पर खुशहाल रहे और ठीक हो जाए। तो चलें दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक्सपेरिमेंटल वीडियो, दुआ करनी है मैंने भी आपने भी कि हमारा डायमंड ठीक हो जाए और भागने लग जाए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल शहर में दयात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।